हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. इट्स मी शिवानी झा एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट. जो आप मेरी वीडियो को जो आप मुझे शो कर रहे हैं, फॉर योर काइंड कॉमेंट्स जिसे पढ़ के मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि आज की वीडियो किस बारे में. सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कार्तिक स्वामी की, जिसके एंड में कुछ ट्रेजिक हुआ था. सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट कि वो क्या था, क्या हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एक्सपीरियंस है 2019 के फरवरी का, इस एक्सपीरियंस ने हमें इतना ज़्यादा हिला दिया था कि हम इसके बारे में बात भी नहीं कर पा रहे थे. मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी. बट आई थॉट कि ट्रैवल तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस करवाती है. एंड जो चीज़ हमने फेस की, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी फेस करें. सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से हमने अपना माइंड चेंज किया. एंड आई थॉट कि हमें दिखाना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हुआ था एंड हमने उससे कैसे कोप अप किया. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. क्योंकि कार्तिक स्वामी जाने का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है एंड हम रुके हुए थे गुप्त काशी के पास, तो हमने गुप्त काशी से डायरेक्ट टैक्सी बुक की जिसका कॉस्ट था 2500. एंड कार्तिक स्वामी जब हम पहुंचे, वो सच में एक ऐसी जगह है जिसे देख के कोई भी बंदा एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि वहां से एक बहुत अलग नज़ारा दिखता है. इनफैक्ट आप कह सकते हो पूरा उत्तराखंड की ब्यूटी को आप वहां एक जगह पे समेटा हुआ देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इस वीडियो में आपको सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा. अब जब चीजें कंप्लीट हो गई हैं तब मैं उन चीजों को रिलेट कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है. तो फर्स्ट चीज जो हुई उस दिन वो ये था कि वहां से आने के बाद, क्योंकि उस टाइम फरवरी का टाइम था तो ठंड थी, मैं कॉल पे थी एंड बाकी लोग किचन में थे, खाना वाना बना रहे थे. मैं फोन पे बात कर रही थी एंड वहां पे एक चेयर पड़ी हुई थी. वो चेयर मुझसे बहुत दूर थी, तो जब मैं वॉक कर रही थी मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरी जैकेट को पीछे से खींचा है. एंड वो होता है ना कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, बट उस टाइम मेरे दिमाग में पहला डर आया था कि कौन है. फिर मैं वॉक कर रही थी, फिर मैं घूम रही थी और कोई हवा नहीं चली, कुछ नहीं चला, और एकदम से मेरे बैक साइड से चेयर मूव होती है और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है. मैं कॉल पे थी और मेरी इतनी गंदी हालत हुई, मुझे एकदम से डर लगा कि शायद कोई है. और वो फील हुआ और मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और मैं सीधा सब लोगों के साथ जाके बैठ गई. और एक और चीज थी उस दिन जिस चीज से बोल के मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया था, उस दिन हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था. तो जब हम वापस आए थे वो किचन में थी, वो खाना खाती, उसकी तबीयत ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी. तो पहले हमें लगा कि शायद सुबह से कुछ नहीं खाया, इतना ट्रैक कर रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई. और तबीयत डे बाय डे खराब होती चली गई. डॉक्टर आए ऊपर उसके घर पे और उसको वहीं पे पानी चढ़ा, तो हमें लगा कि शायद इस वजह से हो गया होगा. और वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी. ये दो दिन ऐसे हुआ. तीसरे दिन उसके साथ बहुत सारी अनईजी सी चीज़ें होती हैं जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं. बर्थडे था उस दिन, हम दोनों अमूमन साथ ही सोया करते थे. सुबह 4 बजे के करीब ये इसने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे कह रही है शिवानी मुझे कोई खींच रहा है, शिवानी मुझे कोई खींच रहा है. और ये सुबह 4 बजे की बात है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं इसको जगा रही हूँ और ये अपने सेंसेस में ही नहीं है. मैंने चिल्लाया, ताई जी को बुलाया, मैंने जितने भी रिलेटिव्स थे उनको बुलाया, और उतनी देर में ये बहुत ज्यादा नींद में ही है. और इसके हाथों को टेढ़ा होते हुए मैंने देखा कि हाथ जब ये मुझे कहती है मुझे पकड़, मुझे कोई खींच रहा, और वो उसके हाथ बाय डिफॉल्ट ही विंडो की तरफ खींचे जा रहे. एंड मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या. तब चाचा जी ने एकदम से बोला कि तुम जिस दिन आए थे उसी दिन मुझे आभास हुआ था. और मैं समझ नहीं पाई कि क्या मतलब क्या आभास हुआ था. फिर उस दिन ये एक इंसिडेंट हुआ. इसके बाद 2-3 चीजें और हुई. हम चीजों को देखते थे, हम इससे पूछते थे क्या हुआ, बट वो उस पोजीशन में ही नहीं थी कि वो हमें कुछ बता सके. मैं ये सोती थी क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा थी, तो हम इसको सुला देते कि ठीक है सो जा. लेकिन जब जब वो सोती थी उसके जगने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ एक चीज़ हो जाती थी. उस दिन फर्स्ट डे जब ये चीज़ें हो रही थी तो वो गए थे किसी पंडित जी से मिलने. वो वापस आते हैं चाचा जी, तो उन्होंने हमें बोला कि तुमने ये चीज़ें की हैं जो तुम्हें नहीं करनी थी. एंड
हम शॉक में थे क्योंकि मोस्टली हम दोनों के एक्सपीरियंस सिर्फ हम दोनों के रहते थे, हम घर आके उन्हें डिस्कस भी नहीं करते थे। उन्होंने कहा सबसे पहली बात कि तुम बाल खोल के गए थे, ऐसी जगहों पे बाल खोल के नहीं जाते। तो मुझे ये थोड़ा इलॉजिकल लगा, मैंने कहा ये तो कोई बात है नहीं कि बाल खोल के नहीं जाते और आप ऐसे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, उन्होंने कहा कि तुमने प्रसाद चढ़ाते वक्त जो रास्ते में हमें बोला गया था घर से कि जब भी तुम जाओ तो रास्ते में प्रसाद चढ़ाते हुए जाते रहना, क्योंकि इन जगहों पे देवी देवताओं का वास होता है तो उनको कुछ ना कुछ अर्पित करते रहना होता है, ऐसा बोला जाता है पहाड़ों में। ये चीजें की उसने चूड़ियां चढ़ाई, उसने प्रसाद चढ़ाया। तो एक जो चीज थी जो हमें उस टाइम हिट हुई जब चाचा जी ने हमें वो चीज बताई और हमने वो चीज बोली थी, हमें ये समझ नहीं आया कि वो बात इन तक कैसे पहुंची। जब हम चूड़ियां चढ़ा रहे थे तो वो प्लास्टिक की थी, ने ये बात बोली थी यार ये कैसी चूड़ी है, और उसने चढ़ा दी वो चीज। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने वो स्पेशली वो चीज डाली थी, वो जब उसने वो बात बोली थी और चाचा जी ने हमें रिकॉल करवाया कि तुमने ये चीज बोली जो कि बहुत गलत होगी और वहीं से तुम्हारे साथ चीजें होनी स्टार्ट हो गई कहते, और तुम्हें शायद फील नहीं हो रहा बट चीजें तुम्हारे साथ उसी दिन से होनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड नो डाउट उस दिन फर्स्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। थर्ड थिंग जो उन्होंने बोला, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा शाउट किया था तुमने। अब यार नो डाउट कि हम ऐसी जगह गए थे एंड वो इतनी प्यारी जगह थी कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, एंड उस जगह को देख के कैसे किसी को ये ना बोले कि वाह कितनी प्यारी जगह है, वो सारी चीज़ें, मतलब वो एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत ऊपर था। इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे लोग जा भी नहीं रहे थे एंड हमने उस पॉइंट पे जाना स्टार्ट किया तो लोग हमारे पीछे पीछे आना स्टार्ट हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें जब हमें किसी थर्ड पर्सन से जो कि वहाँ पे था भी नहीं उससे सुनने को मिली तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी हमारे लिए। और ये अमूमन ना ये सारी चीज़ें रात के अंधेरे में हावी होती थी। सेकेंड डे 3-4 बजे के आसपास मॉर्निंग में जो चीज़ मुझे इस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा हिट की थी, मतलब अभी तक मैं इन चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैं मान रही थी कि हाँ चीज़ें हैं होंगी या कुछ चीज़ें होंगी या फिर भी मेरे माइंड में था कि नहीं यार ये ना बोलने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं इसकी हेल्थ डीप डाउन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसको दिल्ली जाके चेकअप करवाना चाहिए। जो नेक्स्ट डे जहाँ से मुझे उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। सेकेंड डे मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 बजे के बीच का, एंड उस दिन भी हम दोनों अकेले थे। मैं जगी ही हुई थी और धीरे 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 मुझे ऐसे लगा कि बेड पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, मैंने रजाई हटाया एंड मैं जो देखती हूँ वो इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल शॉकिंग ये बेड है। वैसे थी उसकी हाफ बॉडी बेड पे एंड धीरे धीरे उसकी अपर बॉडी ऐसे 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 करके ऊपर उठती जा रही थी। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा कुकू कुकू क्या हुआ है उठ उठ, एंड उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। देन जैसे मैंने शाउट किया वो नीचे थी एंड जब वो जागी, जब सारे आ गए, उजाला होने लगा तो वो सेंसेस में आना स्टार्ट हुई एंड उससे हमने पूछा कि क्या हुआ, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैं अभी इसके बारे में बात कर रही हूँ एंड मेरे मुँह ये अब तक हमारे लिए बहुत नॉर्मल नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मुझे एट द एंड बिलीव करवा दिया कि नहीं अब सच में कुछ बहुत बुरा हो चुका है हम लोगों के साथ। और अगले दिन ये डिसाइड हुआ कि जिन पंडित जी ने ये बताया था कि हमारा हमने क्या क्या वहाँ किया था और किस किस चीज़ से प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी तो हमें वहाँ जाना पड़ा। और उनकी कन्वर्सेशन हुई, स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल था, मुझे तब तक नज़र आ रही थी कि ये वही है, बट जैसे जैसे वो कन्वर्सेशन पीक पे जाती रही के एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज होता रहा और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं है। उस कन्वर्सेशन के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही थी और उसने ये चीज़ बोली और उस दिन के बाद उसने हमें बताया कि उसके साथ हो क्या रहा था। कार्तिक स्वामी के बाद ये अप्रॉक्स 8th डे था कार्तिक स्वामी से आने के बाद, और पहला दिन था जब कोई मेजर रात को सोने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं एंड जो पूजा की डेट थी वो जस्ट गोलिंग बैक थी जिस दिन हम आए थे। तो नेक्स्ट डे भी बहुत आराम से निकला एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डर मुझे लगा जिस दिन वो पूजा थी
उस पूजा में बहुत सारी पॉजिटिव एंड बहुत सारी नेगेटिव चीजें रखी हुई थी, जिसे देख के मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट आया था कि यार काला जादू वाली जो पूजा होती है ये कहीं वो तो नहीं। तो लेकिन जब हम पूजा पे बैठ रहे थे, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, ये काला जादू भी नहीं है। तुमने कुछ चढ़ाते वक्त तुमने गलती से, तुम्हारे मुंह से ये चीज़ निकल गई है, वहीं से वो देवी देवता जो भी है वो तुम्हारे साथ लग गए हैं। बस एक ये क्षमा पूजा है, उसके अलावा कुछ नहीं, और जो भी चीज़ें हैं उनको वो चीज़ें अर्पण करनी एंड उसके बाद तुम लोग फ्री हो। बेस्ट पार्ट ये था, इस पूजा के बाद हम दोनों ही बहुत फ्री थे एंड ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि इसके बाद हम दोनों ही ना इसके बारे में बात करना चाह रहे थे और हमने कभी बात भी नहीं की एक्चुअल में क्या हुआ। यही था हमारा कार्तिक स्वामी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। उस दिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जिस तरीके से हम पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं, हमें नेगेटिव एनर्जी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी एग्जिस्टेंस माननी पड़ेगी। आई थिंक इस वीडियो को यहीं बस करते हैं एंड ये एक्सपीरियंस सच में बहुत स्केरी है। बट यप गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दैट्स इट, बाय।